तो आज है हम जामा मस्जिद के सामने, गेट नंबर 1 के सामने, मटिया महल मार्केट में। और इना अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ शीरमल। कभी शीरमल ट्राई किया? शीरमल के नाम से ही मेरे मुंह में पानी आ जाता है, और खासकर जामा मस्जिद का शीरमल। ओह, तो आज मुझे आप कौन सा शीरमल खिलाने वाले हैं? आज आया हूँ हाजी नदीम शाही शीरमल की शॉप पर। यहाँ पर इना वैरायटीज ऑफ शीरमल है, लगभग 8 वैरायटीज है यहाँ पर शीरमल। कौन कौन सी वैरायटी है? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ देखने के लिए। चलिए भैया, कितनी वैरायटीज है शीरमल की? 8 वैरायटी है सर इसमें। 8 वैरायटी है, जरा दिखाना। ये सर 300 वाला है। ये क्या नाम है इसका? शाही शीरमल होता है, सब शीरमल होते हैं लोग जी। डिफरेंस में ड्राई फ्रूट का डिफरेंस होता है। ये फुल साइज 300 रुपये का मैम, और ये 200 रुपये का फुल ड्राई फ्रूट में है। वीर प्लेट होते हैं दोनों पीस जी। बट साइज छोटा बड़ा इसीलिए प्राइस छोटा है। जी जी मैम। और ये पिस्ता बादाम है सर, ये 100 रुपये का है। ये 100 रुपये जी, सबसे स्टार्टिंग प्राइस 100 रुपये आपका जी। हाँ, ये ठीक है। और ये बादाम आ जाता है, फुल बादाम देसी घी में होते हैं। सारे शीरमल सिर्फ देसी घी में बने हैं? नहीं, सब नहीं बन पाते, 70 से ऊपर चालू होते हैं देसी घी में। 70 से ऊपर जी। 70 वाला कौन सा? ये 70 वाला है सर। ये कौन से तेल में बनता है? ये देसी घी में, और ड्राई फ्रूट में फुल होता है। और ये पिस्ता बादाम होता है, ये 100 रुपये का सर 70। और ये 50 रुपये का सर, ये तिल बादाम। हाँ, नॉर्मल घी। जी। और ये 40 रुपये का सर लाइट बादाम में होता है। और ये प्लेन होता है सर हमारे यहाँ, आप सब्जी से भी खा सकते हैं इसको। अच्छा, ये मीठा होता है? कैसा है? लाइट स्वीट होता था। लाइट स्वीट होता जी। तो स्वीट में आप चीनी डालते, गुड़ डालते? नहीं, चीनी डालते मैम। चीनी डालते इसको मीठा करते हैं। और इसका जो ढोक तैयार करते हैं वो किस चीज से करते हैं? ये सब लिक्विड इसका जो होता है, मैदा, चीनी, मैदा। 10-15 आइटम मिलते हैं। आप हमारे को इसकी वैरायटी बताएंगे, रेसिपी क्या है, हमारे लिए बनाएंगे? जी बिल्कुल, दिखाइए। सभी के लिए बनाते हैं। चलिए के सामने बन रहा है शीरमल। ये कौन सा शीरमल बना रहे हैं? 70 वाला बना रहा हूँ। 70 वाला, 70 वाले फुल बादाम और देसी घी में। ये क्या आपने डाला इसमें? अच्छा, पानी डाल के पहले इस पे बादाम चिपका रहे हैं। ओके, अब आप देख रहे हैं आपके सामने ये बन रहा है शीरमल। वेल, मेरा तो ये जैसे जैसे बन रहा है इसको देखते ही मुँह में पानी आ रहा है। इसमें ये कट लगा रहे ताकि ये फूले नहीं? तो फूल के तंदूर में गिर जाएगा। अच्छा अच्छा, तो ठीक है। इस तरीके से अब आप ये तैयार कर रहे हैं, और अब इसको आप तंदूर में लगाएंगे फिर। तो आपने शीरमल तो बहुत खाए होंगे, लेकिन अपनी आंखों के सामने शीरमल बनता देख रहे हैं तो आपके मुंह में पानी जरूर आ रहा होगा। ये एक्सक्लूसिव रेसिपी है जो अभी आपके सामने ये भैया हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। मैदा, बेसन, चीनी, घी, दूध, ड्राई फ्रूट्स और मसाले होते हैं काफी तरह के, 8-9 तरीके। कभी 15-16 आइटम डलते हैं जब जाकर शीरमल तैयार होता है। तो ये जो शीरमल है दोस्तों, सिर्फ देसी घी में ही ये डिप होते हैं। देसी घी इनका अपना होता है, आप देख सकते हैं। कितना कितने पूरे दिन में कितना देसी घी लग जाता है भैया? कम से कम 50 किलो डेली का। और कितने शीरमल तैयार होते हैं उस 50 किलो में? पीस कम से कम 1500 पीस, और सारे सेल हो जाते हैं। है क्या बात है। तो
यहाँ का शीरमल कितना फेमस है आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए। 1500 पीस कम से कम, 1500 पीस। और सबसे बड़ी क्वालिटी इनकी, कितना शुद्ध देसी घी है, ड्राई फ्रूट से है, उसका डो कितना 16-17 चीजें डाल के ये लोग तैयार कर रहे हैं उसके अंदर। एग्जैक्टली, तो ये शीरमल खाने के लिए जामा मस्जिद आना तो बनता है। एक के सामने ये नदीम शीरमल वाले हैं, यहाँ पे एक बार जरूर आके ट्राई कीजिए। यहाँ का एड्रेस है शॉप नंबर 73 मटिया महल, नियर गेट नंबर 1, जामा मस्जिद, दिल्ली 6। देसी घी में लबालब शीरमल टेस्ट करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि इसका स्वाद कैसा है। शीरमल का वेल टुकड़ा देखते ही आपके मुंह में पानी आ रहा होगा, लेकिन ये सिर्फ एक्सक्लूसिवली हम खाएंगे। आपको खाना है तो यहाँ पर आना पड़ेगा। बहुत ही टेस्टी, बहुत बढ़िया, बहुत मज़ा आ गया। ड्राई फ्रूट्स का टेस्ट आ रहा है, इसमें इलायची पाउडर भी डालते हो भैया? इलायची पाउडर का भी टेस्ट आ रहा है। उन्होंने बताया जब वो डोप तैयार करते हैं तो उसमें इस तरह के 16-17 तरीके के स्पाइसेस डालते हैं, सो दैट कि वो टेस्ट जो है वो डोग में ही मिल जाए सबका। nice. तो सिर्फ टॉपिंग होती है जो अलग होती है, जिसकी वजह से प्राइस अलग से ऐड होता और है। इसमें देसी घी का भी अलग से टेस्ट आ रहा है, इनका खुद का वो देसी घी होता है जो बनाया हुआ। और देसी घी में ऐसे डीप करते हैं वो उसको, वो जो स्वाद इसमें आ रहा है वो स्वाद लाजवाब है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।